अशकों की बारिश है इसे पानी मत समझना, अशकों की बारिश है इन्हें पानी मत समझना, ये जज्बात हैं मेरे इन्हें कहानी मत समझना। नाम कुश गंधर्व, उम्र 18 साल। वैसे तो मैं बेसिकली बेवफाई पर लिखता हूँ, उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई लुक्स पे मत जाइएगा, ये मेरा शौक है और ये खानदानी है बिल्कुल। तो वैसे मैं बेवफाई पे लिखता हूँ, पर आज जिस टॉपिक पे मैंने लिखा है वो है ये जो फिज़िकल रिलेशनशिप वाला प्यार चल रहा है ना आजकल, जिस्मानी मोहब्बत जिसे कहते हैं, उस पर एक नज़्म लिखी है और तीन या चार शेर लिखे हैं पाक मोहब्बत पे। पाक मोहब्बत मतलब वो मोहब्बत जो जिस्मानी मोहब्बत से बहुत दूर है, जिसे हम रूहानी मोहब्बत कहते हैं। तो पहले शेर से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हालत ये है इश्क की कि अगर इश्क आपकी और मेरी तरह बोल पाता, उसको भी ये मंच मिलता, तो वो कह देता कि ये कैसा आशिक है जो ये पाप कर रहा है, ये कैसा आशिक है जो ये पाप कर रहा है, अपने महबूब के जिस्म की नुमाइश बेहिसाब कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तो पहले शेर से शुरू करना चाहूँगा, जो मैं बेपरवाह होता तो तेरा हाल क्यों पूछता, तू ठीक है या नहीं ये सवाल क्यों पूछता, और होती मुझ में बेवफाई की हिम्मत ज़रा सी भी तो उस रात सिर्फ तेरा माथा क्यों चूमता। तो सुनिएगा कि ज़रा राज रखना उस रात को, कि ज़रा राज रखना उस रात को जिस रात सिर्फ हाथों में हाथ था तेरा, कि ज़रा राज रखना उस रात को जिस रात सिर्फ हाथों में हाथ था तेरा, कि कहीं इन हफ्सी दरिंदों को पता चला तो मेरे इश्क को मर्दानगी से तोल देंगे, और जो नहीं लगाया मैंने हाथ तेरे जिस्म को, और जो नहीं लगाया मैंने हाथ तेरे जिस्म को, तो पता चले साले मुझे नामर्द बोल देंगे, साले मुझे नामर्द बोल देंगे। बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि मुझे तेरे इश्क की चाहत है तेरे जिस्म की परवाह नहीं, मुझे तेरे इश्क की चाहत है तेरे जिस्म की परवाह नहीं, मेरी माँ ने इंसान जन्मा है कोई हफ्सी दरिंदा नहीं, मेरी माँ ने इंसान जन्मा है कोई हफ्सी दरिंदा नहीं। तो एक सेकंड लास्ट शेर है, इसके बाद मैं नज़्म सुनाऊँगा आपको। तो ये शेर है कि जो तेरे जिस्म को बिन छुए तेरे बाल संवार दे, जो तेरे जिस्म को बिन छुए तेरे बाल सवार दे, जो तेरे लबों को बिना चूमे तेरे होठों का स्वाद बता दे, वो इश्क करना है मुझे शब्द नहीं सुनने तेरे, तेरी रूह को पढ़ना है मुझे, तेरी रूह को पढ़ना है। आखिरी शेर है कि ये लड़कियों के लिए जिनको लड़के धोखा दे देते हैं ना, अपनी मतलब अपनी हो गई बिल्कुल, अपन सेटिस्फाई हो गए उनसे और अपन ने धोखा दे दिया, तो ये उन लड़कियों के लिए है कि उस बेचारी की मोहब्बत अधूरी और उस जालिम की हवस पूरी हो गई, उस बेचारी की मोहब्बत अधूरी और उस जालिम की हवस पूरी हो गई, जो कल तक बहुत अच्छी हुआ करती थी वो आज बुरी हो गई, जो कल तक बहुत अच्छी हुआ करती थी वो आज बुरी हो गई। तो ये जो नज़्म है इसका ऐसा सीन है कि जब मतलब हम ब्रेकअप हो जाता है तो हम जो थे वो हम पाक इश्क था हमारा, और उसके बाद अब जो लड़की जिसके साथ है रिलेशनशिप में वो उसको यूज़ कर रहा है, तो जो आशिक है जिसका ब्रेकअप हुआ है वो लड़का उस सीन को कैसे देखता है और कैसे बता रहा है, तो ये उसकी नज़्म है। तो बहुत छोटी सी नज़्म है, अगर आपको पसंद आए तो तालियाँ चाहूँगा। वो अपनी हवस को इश्क बताता है, वो अपनी हवस को इश्क बताता है, उसे छू कर लव जताता है, कहता है मोहब्बत है तुमसे, कहता है मोहब्बत है तुमसे, फिर भी कस कर उसका हाथ पकड़ के अपने पास बुलाता है, अपनी हवस को इश्क बताता है, उसे छू कर लव जताता है, देखता है बेशर्मी की निगाह से उसे, देखता है बेशर्मी की निगाह से उसे, और उसके जिस्म को हाथ लगाता है, अपनी हवस को इश्क बताता है, उसे छू कर लव जताता है। तो ये विशेष लाइन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि रहने नहीं देता लाली उसके होठों पर, रहने नहीं देता लाली उसके होठों पर, उसके अशकों पे तालियां बजाता है वो, रहने नहीं देता लाली उसके होठों पर, उसके अशकों पे तालियां बजाता है वो, काजल उसकी आँखों का बहाता है वो, जो मेरी थी कभी उसको अपना बताता है वो, उसे छू कर लव जताता है वो, अपनी हवस को इश्क बताता है वो, अपनी हवस को इश्क बताता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बेवफाई पे लिखता हूँ और मैं आया हूँ, और बेवफाई के शेर ना सुनाऊँ तो कैसे चलेगा। तो एक शेर है कि ये मैं हमेशा सुनाता हूँ, तो जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना वो सुनिएगा, कि
इतनी बेखौफ ना निकला कर तू घर से, इतनी बेखौफ ना निकला कर तू घर से कि ज़माने में वो पहले जैसी बात नहीं है, शहर के माहौल के वो हालात नहीं है। सुन ले मेरी बात को, सुन ले मेरी बात को, वरना बहुत पछताएगी। यहाँ तो कदम कदम पर दरिंदे हैं, किस किस से इज्जत बचाएगी, किस किस से इज्जत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।